वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र के नई सड़क गीता मंदिर के पास में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी 3 बच्चियों के साथ जहर खा लिया, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिजनों ने पिता और 3 बच्चियों को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 4 की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें BHU ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। लेकिन वहां भी डॉक्टर पिता और 3 बच्चियों को बचा नहीं पाए, जिसके बाद परिवार में मातम पसर गया। परिजनों का कहना है कि मृतक सड़क किनारे ठेले पर कपड़े बेचा करता था और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इसी बात को लेकर 2 दिन पहले ही पत्नी को पीटकर मायके भेज दिया था, जबकि 3 बच्चियां पिता के साथ ही घर पर थी। क्या हुआ, क्या मतलब अपने औरत को घर पहुंचा दिया, तो फिर उसके बाद आया कहने लगा, अरे हमारा जिंदगी आखिरी जिंदगी है, ये चाची आज जिंदगी हमारा पहली बार है, हमको चाय पिला दो। हम चाय पिए तो मेरा चाय छीन के पी लिया। हम कहा ऐसे क्या बोल रहे हो, कहीं नहीं आज हमारा आखिरी दिन है, अपन अपने बच्चे को अपन हम ऐसे मत कर्जा करो, कमाओ भरो खाओ, कहे मौत कर जिंदगी, मार रो रहा था एकदम से। तो वही बोला कि ऐसे ऐसे करने लगा। बहुत हम लोग समझाए बुझाए सब कुछ, कहने की माना नहीं, पता नहीं कब क्या किया, हमको कुछ मालूम ही नहीं, हम लोग सो रहे थे। अभी आरंभिक तौर पर जानकारी मिली है, लक्सा थाना के गीता मंदिर के पास में एक परिवार था दीपक गुप्ता जी का, जिनकी 3 छोटी पुत्रियां थी और उनकी पत्नी कल मायके गई थी। सुबह उन्होंने बल्कि परिवार में पत्नी को वहाँ पर छोड़ा था और उन 3 पुत्रियों सहित उन्होंने जहर खा लिया, जो आरंभिक तौर पर जानकारी मिली है। और उन लोगों को कभी चौरा अस्पताल भेजा गया, जहाँ से BHU रेफर किया गया, वहाँ पे 4 लोगों की डेथ हो गई है। और जानकारी की जा रही है इसमें कि क्या मामला है, क्योंकि परिवार है बहुत, दीपक गुप्ता जी ठेले पर कपड़े वपड़े बेचते थे, रुमाल चड्डी बनियान इस तरह घूम के कारोबार करते थे, और क्या वजह थी इसकी जानकारी की जा रही है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।